खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज शेरकोट में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेसी जन की एकजुटता को लेकर विचार विमर्श किया गया और कांग्रेस पार्टी को शेरकोट में जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस मीटिंग का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना था। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प इस मीटिंग में लिया गया। आज के हालातों को, देश में होते अत्याचारों पर, देश में होती महंगाई, बेरोजगारी और गिरती देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेसी जन से ये आश्वासन लिया गया कि वह जन जन तक डोर टू डोर जाकर लोगों तक देश के हालातों के बारे में जानकारी दी जाए। इस मीटिंग में धामपुर से पहुंचे कांग्रेसी गणों ने भी अपनी बात, अपने विचार सभी के सामने पेश किए। शेरकोट के सभी कांग्रेस जनों ने अपने विचार, अपने सुझाव इस मीटिंग के माध्यम से सभी कांग्रेस जनों तक पहुंचाने का काम किया। इस मीटिंग में बढ़ापुर पूर्व प्रत्याशी हुसैन अहमद अंसारी, आदित्य सिंह, कांग्रेस जिला सचिव खुर्शीद अनवर कासमी, नगर अध्यक्ष शेरकोट एडवोकेट हिलाल अहमद, अल्पसंख्यक विभाग के जिला संयुक्त सचिव मोहम्मद अरमान सैफी, शेरकोट नगर उपाध्यक्ष आमिर कुरेशी, अल्पसंख्यक विभाग बिजनौर के जिला संयुक्त सचिव मोहम्मद सैफ, शेरकोट नगर महासचिव मेराज सिद्दीकी, खालिद खान आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। कांग्रेस मेरे लिए तो खास तौर से एक शुरू से, मतलब मेरे बाप दादा सभी लोग कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस में ही रहने का मकसद भी उनका यही है कि कांग्रेस एक ईमानदार और जनता की हित की पार्टी है। बाकी दूसरी पार्टी आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को क्या क्या हालात हो रहे हैं, जो कभी सुनने को भी नहीं मिलता था वो आज देखने को मिल रहा है हर पार्टी में। और मेरा यही कहना है कि अगर कांग्रेस शेरकोट के अंदर मजबूत होती है और सेंटर में आती है तो दोबारा से जिस तरह से कांग्रेस ने पहले देश को बहुत आगे तक पहुँचाया था, काफ़ी तरक्की की थी देश ने, आज GDP भी डाउन है, उस टाइम पर कांग्रेस के टाइम पर बहुत अच्छी GDP थी, अगर कांग्रेस को दोबारा से लाया गया तो कांग्रेस जरूर देश को मजबूत करेगी। इसी के साथ मैं बात करता हूँ। नमस्कार, ये मीटिंग जिसमें हमने रखी, ये मीटिंग जिसमें आप सब लोग आए, अपना कीमती वक्त दिया सभी कांग्रेस गण का मेरा शुक्रिया। और जो ये मीटिंग का मकसद, हमारा मकसद ये था कि जो आज शेरकोट में कांग्रेस पार्टी में जो दो गुट बन रहे हैं, तो उस गुट को खत्म कर कर हम जितने भी कांग्रेसी हैं शेरकोट में वो सब एक स्टेज पर आ सके। और दूसरा मकसद हमारा इस मीटिंग का ये था कि जो कांग्रेसी गण हैं वो सब एक, जितने भी हैं कांग्रेसी, वो सब एक स्टेज पर आने के बाद एक हमारा मकसद ये है कि एक शेरकोट में एक रैली निकाली जाए सिर्फ कांग्रेसियों की, जो रैली एक मैसेज जाए पूरे शेरकोट को, पूरे जिले को कि शेरकोट में कांग्रेस जो है आज भी मौजूद है जिस तरह पहले भी मौजूद थी। और जो जनसैलाब कांग्रेस का शेरकोट से उठा है, पहले भी उठता था और आज भी वही जनसैलाब शेरकोट में मौजूद है। ये तो इन लोगों की सोच है, कांग्रेस पार्टी एक वो पार्टी है जो देश के अंदर हर किसी के साथ खड़ी होती है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ कांग्रेस पार्टी देती है। ये तो उन लोगों की सोच है जो अपनी बनाना चाहते हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं। जो अपनी पार्टी के नेता को रीढ़ की हड्डी को नहीं बचा पाया तो वो दूसरों क्या बचा पाएगा, आप इस चीज़ को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी एक वो पार्टी है कि किसी भी मुद्दे को देख लो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो किसी की बात हो। अभी दिल्ली के अंदर 9 साल की बच्ची के साथ एक दर्दनाक हत्या कर दी गई, तो ये देख गया ये किसकी सरकार में हो रहा है, भाजपा सरकार में हो रहा है। बस मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे और शेरकोट में आने वाले टाइम में एक रैली निकालने का प्रोग्राम किया जा रहा है, उसकी डेट फिक्स कर दी जाएगी इस मीटिंग में। और सभी से मेरी यही अपील है, सब एक होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफ वर्ल्ड न्यूज़ से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।